हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस चैप्टर में अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है तो आप जान चुके हैं कि हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर बॉडी मूवमेंट्स कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें सीखना है कि एनिमल्स के अंदर मूवमेंट कैसे होता है। एनिमल्स है ना, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे इंसेक्ट्स हों, ठीक है। तो उनमें मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें चलने फिरने के लिए, मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, हमारी तरह हाथ पैर होते हैं उनके, है ना। हाथ तो नहीं, मतलब पैर होते हैं उनकी। जो एनिमल्स में जो हाथ होते हैं ना, एक्चुअली उनको हम कहते हैं फोर लिम्स। क्या कहते हैं? फोर लिम्स, ओके। यानी आगे वाले पैर और पीछे वाले यानी हाइंड लेग्स, ओके। तो हम आगे जब चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से, ओके। समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उन एनिमल्स के बारे में जिनके की बॉडी में क्या होता है, लेग्स होती हैं। और बाद में फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिनके बॉडी में लेग्स नहीं होती, जैसे कॉकरोच होता है या स्नेल होता है या फिर स्नेक होता है, इनके तो पैर ही नहीं होते ही, है ना। तो ये कैसे मूव करते हैं, तो उनके बारे में भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला है यहाँ पे कॉकरोच। अब रीडिंग आप लोग कर लेना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा कॉकरोच। अब कॉकरोच आप जानते हो, है ना, घरों में जनरली पाया जाता है, है ना, क्योंकि बहुत तेज आवाज़ करता है ना, लगातार ऐसी आवाज़ करता है, एकदम तीखी, है ना। अगर कंटिन्यूसली अगर वो आपके कान पे बजती रहे ना, तो आप बहरे हो जाओगे उससे, है ना। तो ये कॉकरोच जो है मूव कैसे करते हैं, तो कॉकरोच इज एन इंसेक्ट। द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड एंड टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सो स्केलेटन। यानी जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी जो है एक कवर से ढकी हुई रहती है, उसको कहते हैं एक्सो स्केलेटन, ओके। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। मैं रीडिंग के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा, पता है क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा ना तो मेरी दिक्कत होती है बोलने में और मुझे खांसी आ जाती है, तो इसलिए आप, मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लो और मेन मेन लाइन में पढ़ के बता दूंगा आपको। देखो ये क्या है, कॉकरोच, और इसके लेग्स होते हैं चलने फिरने के लिए, और ये क्या होते हैं, इसके पंख होते हैं उड़ने के लिए, और ये क्या है, एंटीना, जिससे पता करता है जो अपने प्रे, अपने दुश्मन वगैरह होते हैं, अपने खाने का या जो भी है, तो इनसे पता चल जाता है इसको, ठीक है। खैर, हमारा टॉपिक तो ये है कि ये मूवमेंट कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, देखो 1 2 3 और ये 1 2 3, तो इसमें कितने हैं, 6 पैर होते इसके होते हैं, ओके। तो कॉकरोच हैज़ 6 लेग्स, ओके। द कॉकरोच मूव्स और वॉक्स ऑन द ग्राउंड बाई यूजिंग इट्स लेग्स, ओके। ईच लेग्स ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्टिफ हॉलो ट्यूब्स जॉइन टूगेदर। द लेग्स ऑफ कॉकरोच कैन बी मूव्ड इजीली बाई मसल्स, ओके। ये आराम से मूव कर सकता है अपने लेग्स को। आगे देखो, द कॉकरोच फ्लाइज इन एयर, और ये उड़ता भी तो है, अच्छा चलने फिरने के लिए तो इसके पैर हो गए, तो कॉकरोच फ्लाइज इन एयर बाई मूविंग इट्स विंग्स अप्स एंड डाउन रैपिडली, ठीक है, पंखों का इस्तेमाल उड़ने के लिए करता है, ओके। चलो आगे देखते हैं बेटा, बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, उनमें कैसे मूवमेंट होता है। देखो पक्षी चलते भी हैं और उड़ते भी हैं, तो चलने के लिए इनमें भी क्या होते हैं, पैर होते हैं, और उड़ने के लिए क्या होते हैं, पंख होते हैं, है ना। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे, बीच में वीडियो थोड़ा स्टॉप हो गई थी, हाँ देखिए, तो बर्ड के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पक्षियों में क्या होता है, चलने फिरने के लिए पैर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हैंड लिम्स, और उड़ने के लिए क्या होते हैं, फोर लिम्स, यानी आगे वाले। देखो ये पक्षी है ना, उसके भी दो पैर और दो हाथ होते हैं, एक्चुअली दो जो हाथ होते हैं ना, जो हैंड होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं फोर लिम्स। तो पक्षियों में दो हाथ जो हैं वो किस में बदल जाते हैं, पंखों में बदल जाते हैं, ठीक है,
देखो ये लिख रहा है, देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स, ठीक है, यानी फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में, फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए, ठीक है। और देखो, बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाई यूजिंग देयर हाइंड लिम्स, ठीक है। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं हैं जो आपको समझ ना आए, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ रीडिंग करनी है, ठीक है। बाकी और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे आप देख रहे हो, है ना, पक्षी उड़ रहा है, तो जब ये पंखों को नीचे लाता है तो क्या होता है, उससे हवा पे प्रेशर नीचे की तरफ पड़ता है तो पक्षी ऊपर चला जाता है, जब उसको ऊपर करता है तो ये थोड़ा नीचे आता है, इसलिए लगातार इसको ऊपर नीचे करेगा तो क्या होगा, हवा उससे कटती है तो उड़ता है। चलो ये तो था कुछ इंसेक्ट और बर्ड के बारे में, जिनके पैर होते हैं या पंख होते हैं उड़ने के लिए, चलने के लिए, चलने के लिए पैर होते हैं, उड़ने के लिए पंख होते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं जिनके कि पैर ही नहीं होते, मूवमेंट विदाउट लेग्स, ओके। जैसे कि सम ऑफ द एनिमल्स विच डू नॉट हैव लेग्स, अर्थ वॉर्म, स्नेल, फिश, स्नेक, तो ये कैसे मूव करते हैं। पहले देखते हैं अर्थ वॉर्म को, ठीक है। जो अर्थवर्म बच्चा होता है, अगर आपने देखा होगा तो उसकी जो बॉडी है वो कैसे होती है, पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, मतलब डब्बे डब्बे से बने रहते हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं, सेगमेंट, ठीक है, या कंपार्टमेंट्स, ओके। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा एक अर्थवर्म, ये है उसके पूरे बॉडी, और ये डिवाइडेड है किसमें, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ ये किस तरह से मूव करता है, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी इसमें, ठीक है। देखो ये पूरी बॉडी को एक साथ मूव नहीं करता है, पहली चीज़ तो ये अपनी बॉडी को दो हिस्सों में बांट करके, ठीक है, मूव करता है आगे। जैसे अपने बॉडी के आधे हिस्से को स्टॉप कर देगा, बाकी आधे हिस्से को आगे खिसकाएगा, ठीक है, और फिर दूसरी बार में पहले हिस्से को स्टॉप कर देगा और दूसरे वाले को खिसकाएगा, इस तरह से ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पहले समझ लो, देखो ये क्या लग रहा है, सेगमेंट, मतलब ये जो इसके बॉडी पे बने हुए हैं कैसे होते हैं, सेगमेंट्स, ये सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं, जैसे सिकुड़ जाएंगे तो ऐसे दिखेंगे और फैल जाएंगे तो ऐसे दिखेंगे, ठीक है। जैसे और ये है लिखा हुआ स्टेशनरी अर्थवॉर्म, मतलब ये जो अर्थवॉर्म है अभी स्टॉप है, स्टेशनरी मतलब स्टॉप है, ये अभी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ये इसका हो गया फ्रंट, यहाँ से जैसे फ्रंट पार्ट, और ये इसका हो गया बैक पार्ट, ठीक है, और ये है ब्रिस्टल, ठीक है, ब्रिस्टल्स, ये क्या है, ब्रिस्टल्स, ये जो रिंग सी बनी हुई है ना, ये ब्रिस्टल्स, ओके। तो ये किस तरह से मूव करेगा आगे देखो, यहाँ इसका दो हिस्से हो गए, इसके बैक पार्ट रिमेन्स फिक्स्ड टू ग्राउंड, मतलब इस अर्थवर्म का जो आधा हिस्सा, जो पीछे वाला हिस्सा है, वो कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो फ्रंट वाला है, फ्रंट पार्ट लेंथन्स, लेंथन्स का मतलब ये लंबा होता है, मतलब फैलता है, एक्सपेंड होता है, ओके, एक्सपेंड होकर के क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, एंड मूव्स अहेड। मान लो इस हिस्से को अगर आप फैलाओगे, जैसे रबड़ को अगर आप खींचेंगे तो क्या होगा, वो लंबी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, इसी तरह से जब इसको खींच, ये क्या होता है, एक्सपेंड होता है, तो ये अपने आप इसकी लंबाई बढ़ेगी, है ना, पहले जो यहाँ था अब वो कहाँ जाएगा, यहाँ तक आ गया, ओके, इस तरह से। अच्छा दोबारा हम क्या करेगा, ये जो इसने जो हिस्सा एक्सपेंड किया है, इसको ये स्टॉप कर देगा, मतलब इसको आगे नहीं ले जाएगा, फ्रंट पार्ट ऑफ शॉर्टन्स एंड फिक्सेस टू ग्राउंड, मतलब अब इस वाले,
इस वाले जो है पार्ट फ्रंट पार्ट उसको स्टॉप कर देगा और पीछे वाले हिस्से को एक्सपेंड करेगा। जब फ्रंट वाला स्टॉप है पीछे वाला एक्सपेंड हो रहा है तो क्या होगा, तो ये जो अभी एक्सपेंड था वो कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और ये जो इस तरह से था वो एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेगा अगले स्टेप में, फिर इसको सिकोड़ लेगा। ठीक है, सिंपल सा सिस्टम समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करता है ये, है ना। बाकी मैं इसकी आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा मूव करते हुए की, ओके, आपको दिखेगा उसमें। आगे देखो, ये होता है बेटा स्नेल। ये क्या है, स्नेल। इसमें भी क्या होता है, पैर नहीं होते हैं, ठीक है, हमारी तरह जानवरों की तरह। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो इस शेल के अंदर होते हैं, है ना, ये जो कवर होता है इसका, ठीक है, शंख कहते हैं ना उसको, शंख, है ना, तो इसके अंदर रहता है, और एक पैर ही इसका अंदर रखता है और एक ये पैर बाहर की तरफ निकाल के रखता है। और ये पैर जो है कैसा होता है, ये एकदम मस्कुलर होता है, फ्लैट होता है, लेकिन ये दो तरह दो मसल्स इसमें होते हैं, ठीक है, जो अल्टरनेटली क्या होते हैं, उनमें मूवमेंट होता है वेव की तरह, जिससे कि ये कंटिन्यूसली फिसलता है, मतलब रेंगता है। और क्या होता है इसके यहाँ पे, ये इनको कहते हैं टेंटेकल, ठीक है, ये दो ये होते हैं और ये दो छोटे होते हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले होते हैं यहाँ पे इसकी आँखें होती हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आँखें होती हैं, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, स्नेल इज वेरी स्लो मूविंग एनिमल विद अ स्मॉल शेल ऑन इट्स बैक। द बॉडी ऑफ अ स्नेल इज सॉफ्ट एंड कंसिस्ट ऑफ हेड एंड फुट एंड अ शेल। द हेड ऑफ स्नेल हैज टू पेयर ऑफ टेंटिकल्स फॉर कैचिंग प्रे। ठीक है, तो ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, एक पे आंखें लगी रहती हैं और एक पे वैसे फील करता है वो पकड़ने के लिए, ठीक है, हेल्प करता है वो। द लार्जर पेयर ऑफ टेंटिकल्स हैज लिटिल आइज इन देम। ओके, इनमें आइज होती हैं। शेल इज आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल बट इट इज नॉट मीट ऑफ बोन्स। सेल कंटेन्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द स्नेल। इन डेंजरस कंडीशन द स्नेल विदड्रॉज इट हेड एंड फुट इन टू द सेल। मतलब जैसे इसको कोई खतरा नजर आता है तो क्या करता है, अपने इन पैरों को ये पूरे को कहाँ लगा लेता है, इसमें अंदर वापस से घुसा लेता है, जैसे कछुआ अपने मुंह को घुसा लेता है ना, छिपा लेता है अपने पैरों को, अपने हाथों को और मुंह को अंदर छिपा लेता है, जैसे उसको कुछ खतरा नजर आता है ना, ऐसे ही ये कर लेता है अंदर। द स्नेल, ये हो गया, द फुट ऑफ स्नेल इन लार्ज फ्लैट एंड डिस्क शेप विच इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, इट इज कॉल्ड मस्कुलर फुट। यानी जो उसका जो पैर पैर होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। आगे देखो, द स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज डिस्क शेप्ड मस्कुलर फुट। दिस हैपन एज फॉलो, देयर आर टू सेट्स ऑफ मसल्स इन द फुट ऑफ स्नेल विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स अल्टरनेटली। मतलब जो दोनों मसल्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, एक के बाद एक अल्टरनेटली, मतलब एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, प्रोड्यूसिंग ए काइंड ऑफ वेव इफेक्ट, जिससे क्या होता है, एक वेव की लहर पैदा होती है, ठीक है, ये। लेकिन वो मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और वो एक्सपेंड होते रहते हैं, तो लहर जो है लगातार बनती रहती है, इसकी वजह से क्या होता है, सीरीज ऑफ वेव इन द मसल्स ऑफ फुट मेक द स्नेल मूव फॉरवर्ड, इसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। स्नेल्स आर गैस्ट्रोपोड्स विच मीन्स बेली फुटेड एनिमल। मतलब उनका जो पैर है वो कैसे होते हैं, पेट जैसे होते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ स्नेल इज कॉल्ड क्रीपिंग, यानी रेंगना, ठीक है। तो स्नेल जो है वो क्या करता है, रेंगता ही तो है, जब अर्थवर्म हुआ या फिर वो, ठीक है, स्नेल हुआ, ये रेंगते हैं, रेंगने का काम करते हैं, ठीक है, रेंग करके चलते हैं, इसको कहते हैं क्रीपिंग। इन अ वे द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन अर्थवर्म। एन अर्थवर्म हाउ एवर मूव्स मच फास्टर देन अ स्नेल। ठीक है, तो अर्थवर्म तो ज़्यादा तेज चलता है, ओके।
ऐसा करते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।